ये पेपर टू का जो क्वेश्चन है, फॉर द गिवन कंपाउंड एक्स द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमरेज, यानी हमें इस लोगों में मेन चीज़ जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बताने हैं। और क्वेश्चन की लैंग्वेज में जैसे दे रखा है कि जो ये डार्क पोजिशन दे रखी है ये फिक्स है, ये एल्किन जो डार्क दे रखा है ये फिक्स है, और ये जो नोटेशन दे रखा है ये फिक्स नहीं है। तो हमें जो चेंजेस करने हैं वो सिर्फ इसके अक्रॉस हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अब पूरे स्ट्रक्चर को देख के ये पता चलता है कि बेसिकली ये कार्य सेंटर जो है ये वेरिएबल है, ये कार्य सेंटर वेरिएबल है, और ये जो एल्किन है ये भी वेरिएबल है। तो अगर रिमेनिंग आइसोमर फिक्स हैं तो इनको हम कंट्रीब्यूट काउंट नहीं करेंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर में। तो इसके जो टोटल स्टीरियो आइसोमर बनने चाहिए अक्रॉस दिस पार्ट, मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इसके अक्रॉस कितने स्टीरियो आइसोमर हम बना सकते हैं, वो बना सकते हैं 2^3, यानी 8 बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन में टोटल नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कि एक्टिव आइसोमर। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो मेन मेन जो वर्ड है उनको आप अंडरलाइन किया करो। तो हमें बताना है एक्टिव आइसोमर। अब जैसा कि मैंने इसको डार्क फिक्स कर दिया, इसको भी मैंने डार्क फिक्स कर दिया, और ये ज्योमेट्री ट्रांस है, और ये ज्योमेट्री भी ट्रांस है, और तो इसके अंदर एक सिमेट्री एलिमेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी बेसिकली ये एक मीजो स्टीरियो आइसोमर है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, आउट ऑफ 8 ये 1 मीजो हो गया। अगर हम रिमेनिंग और आइसोमर ड्रॉ करें, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको डैश कर दें तो उस समय कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो वो एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे सिस कर दें वो भी एक्टिव होगा, यहाँ पे जो डैश कर दें वो भी एक्टिव होगा, यानी 8 में इस मीजो के अलावा रिमेनिंग जितने भी आइसोमर हैं सब सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो टोटल आंसर होगा 8 - 1 मीजो इक्वल टू 7। यानी आपको सिर्फ चेंजेस यहाँ करना है। एक कॉमन मिस्टेक जो ये हो सकती है कि हम पूरे की मिरर इमेज बना दें, हम पूरे की मिरर इमेज नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्होंने ये चीज़ फिक्स कर रखी है। अगर हम पूरे की मिरर इमेज बना रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको आर का कॉन्फ़िगरेशन एस बना रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ जो आंसर देना है वो इस पोर्शन के बारे में देना है, यानी यहाँ जो भी चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग टोटल एक्टिव आइसोमर बनाने हैं। तो हमें विदाउट ड्राइंग मिरर इमेज यहाँ पे वेज डैश, यहाँ पे सिस ट्रांस, यहाँ पे आरएस, उनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 7। थैंक यू।